हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है कैंसर होप। दोस्तों, जब किसी को कैंसर होता है ना, तो कैंसर से ना ही सिर्फ शारीरिक तौर पे वो टूट जाते हैं बल्कि मानसिक तौर पे भी वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी मानसिक तौर पर टूट जाता है। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे समय में जो भी आसपास के लोग सलाह देते हैं उसी राह पर वो चल पड़ते हैं और उस राह पर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बाद में उन्हें ये महसूस होता है कि काश हम ये ना करके ऐसा कुछ किए होते तो जिंदगी आज बेहतर होती। क्या करे क्या ना करे इस कश्मकश में वाकई में जिंदगी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली अगर कैंसर हमारे जिंदगी में दाखिल होता है। तो जानते हैं यही बात एक ऐसे एक्सपर्ट से जिनकी रिसर्च से ये साबित हुआ है कि कैंसर पर जड़ से मात दी जा सकती है, जड़ से इसे बाहर निकाला जा सकता है जिंदगी से। वेल, ही इज नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं जिन्होंने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहे तमाम लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और कैंसर के खौफ का सफाया करना। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब, कैंसर होप में तहे दिल से आपका स्वागत है। थैंक यू स्नेहल जी। वेल दोस्तों, इससे पहले कि हम डॉक्टर अनवर साहब से डिटेल में जाने कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कैसे इलाज हो सकता है, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी वाकई में बहुत कीमती है, एक सेकेंड भी मत गवाइए। और अगर कैंसर का कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैंसर का सिम्टम है भी या नहीं, फिर भी अगर आपको लगे कुछ अनइवन चीजें हैं आपके लाइफ में, कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी के अनइवन हैं, तो अभी इसी वक्त आप कॉल कीजिए और डॉक्टर अनवर साहब से संपर्क करके जानिए कि एग्जैक्टली कैंसर पर कैसे मात दी जा सकती है। कॉलिंग डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है, सो कॉल राइट नाउ। डॉक्टर अनवर साहब, कैंसर के प्रति कई अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के डाउट्स हैं, जिनमें से एक है कि अगर किसी को ऑर्गन कैंसर हो जाता है तो क्या ये मुमकिन है कि ऑर्गन कैंसर से कोई और ऑर्गन कैंसर तक कैंसर फैल सकता है और क्रिएट कर सकता है? देखिए, इसकी मैं वजाहत करता हूँ जी। जो मैं ऑल्टरनेटिव सोर्स से मैं अप्रोच करता हूँ जी, कैंसर फैलने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से कि प्रॉक्सिमिटी टू एन ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल के लंग का प्रॉक्सिमिटी लीवर से है, ठीक है, लंग का प्रॉक्सिमिटी चेस्ट वॉल से है, तो ये प्रॉक्सिमिटी की वजह से फैलना तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है। दूसरा होता है कन्वेंशनल मेडिसिन में कि हेमटोजेनस स्प्रेड, यानी खून के जरिए एक ऑर्गन से डिस्टेंट ऑर्गन का तक पहुँचना। यहाँ पर थोड़ा मुझे मेरी जो थॉट प्रोसेस अलग है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मतलब कि भाई वो एक ऑर्गन यहाँ पर है तो दूसरा ऑर्गन दूर है, खून के जरिए फैलता है जिसे कन्वेंशनल मेडिसिन में बताया जाता है। मैं ये मेरा सवाल मैं ये सोचता हूँ मेरी थिंकिंग लेटरल थिंकिंग में कि अगर ये खून के जरिए फैलता है तो खून में क्यों नहीं आता। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर अगर बोन में फैलता है तो अगर खून के जरिए फैल रहा है तो लंग के अंदर है, लंग से वहाँ तक जाने में तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स रास्ते में है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, तो वहाँ क्यों नहीं फैलता है, ये सवाल मेरे जहन में आता है। दूसरी बात जो मैं जो सोच का मानने वाला हूँ वो ये है कि हर एक ऑर्गन जो होता है उसका रिलेशन ब्रेन के हर एक हिस्से से होता है, अलग अलग हिस्से से, और डेवलपमेंट में जो है अलग अलग उसमें कोई एंडोडर्म से आता है, कोई एक्टोडर्म से आता है, कोई मेसोडर्म से आता है, ये जो तीन रिंग से हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो एक्टोडर्म से जो डेवलप होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अलग होते हैं, मेसोडर्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अलग होते हैं, और एंडोडर्म के कॉन्फ्लिक्ट्स अलग होते हैं। तो एंडोडर्म के कॉमन इश्यूज हो सकते हैं, मेसोडर्म के कॉमन हो सकते हैं और एक्टोडर्म के कॉमन हो सकते हैं। नाउ
कैसे होता है, अगर एक साथ में दो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, होता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास में ऐसी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लंग कैंसर होगा, वो टर्मोइल जो था वो अलग किस्म का था, आपको जो इफेक्ट किया, और जो दूसरे ऑर्गन में जो आया है वो उसकी कॉज अलग थी, अलग एक टर्मोइल और क्रिएट हुआ है उसके बाद में ये आया है। तो हर एक ऑर्गन का रिलेटेड जो टर्मोइल है वो अलग अलग है, अलग सुनामी, पहले ये सुनामी आई उसके बाद ये सुनामी आई। तो ये जो कनेक्शन जो है मेटास्टेसिस का हम इस तरह से समझते हैं, ना कि वो ब्लड के थ्रू फैला हुआ है। तो ये जो डिफरेंस हमारी सोच में है वो जो मुख्तलिफ है जो कन्वेंशनल मेडिसिन किया, कन्वेंशनल मेडिसिन का ऐसा है कि भाई ये प्रॉक्सिमिटी से फैलती है जो हम मानते हैं ठीक है उसमें कोई, लेकिन खून के जरिए फैलता है तो इसमें थोड़ा सा हमके हजम करने में मुश्किल होती है क्योंकि फिर खून में एक रास्ते में क्यों नहीं फैला। चलिए, एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, आपने ये डाउट क्लियर किया है हमारा कि एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन ऐसे ही तमाम हमारे दर्शक कॉल के द्वारा अपने डाउट्स और अपनी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, सवाल रखना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आज के पहले कॉल के साथ चाहता हूं कि मतलब लोग मुझसे सवाल करें ताकि मैं खुलासे जवाब दूं। हेलो, नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया मोहिते है। जी प्रिया, प्रिया आप कहाँ से बोल रही हैं? पुणे से हूँ। पुणे से प्रिया, जो अगली आवाज अभी आप सुनेंगे वो डॉक्टर अनवर साहब की होगी, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रिया जी नमस्कार, फरमाइए क्या खिदमत करूँ आपकी मैं? एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2-3 महीने पहले मैंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया था, उसमें एक लंप डिटेक्ट हुआ था। जी मैंने जाके अपने फिजिशियन को बताया तो उन्होंने ये बताया, कुछ मैमोग्राफी किया है और उन्होंने ये बताया था कि ये बेनाइन ट्यूमर है। ओके। उसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गई है बट मुझे ये एडवाइस दिया गया है कि यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। ओके। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या होम्योपैथी से इसका इलाज किया जा सकता है? जी जी ठीक, सवाल समझ गया मैं आपका। जी आपका जो लंप आया वो राइट ब्रेस्ट में आया कि लेफ्ट ब्रेस्ट में आया? जी राइट साइडेड है। अच्छा, देखिए राइट साइड में जो आते हैं उसकी वजूहत अलग होती है, इमोशंस अलग होते हैं, इमोशन का जो रीज़न जो है अलग होते हैं, और लेफ्ट साइड में जो आते हैं उसके अलग होते हैं। बहरहाल ये अगर बिनाइन है तो अच्छी बात है कि कैंसरस नहीं है, बिनाइन है, सबसे अच्छी बात तो ये है। आपको ऑपरेशन के लिए कहा गया है कि आपकी मर्जी है, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, उसके होम्योपैथी दवाइयों से जो है इस ठीक हो सकता है, आपकी गांठ गल सकती है, और बाद में ऐसा भी हो सकता है हम कुछ सलाह आपको दे ताकि रिकरेंस ना हो, ऐसा भी हो सकता है इसका। जी तो होम्योपैथी में मुझे क्या करना होगा एग्जैक्टली? देखिए सबसे बेसिक चीज जो हमारी जो अप्रोच होता है उसमें ये होता है कि आपकी हिस्ट्री हम समझेंगे, आपके साथ में क्या हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इमोशंस क्या है, आपकी कोर पर्सनैलिटी क्या है, आपका डिस्पोजिशन क्या है, किस तरह से आप इवॉल्व हुए हैं एज अ चाइल्ड टिल नाउ, ये सब समझने के बाद ही हम इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना वक्त लगेगा। लेकिन ये हम मरहला पूरा करने के बाद के अंदर अगर हमको सही चीज़ मिल जाती है तो उससे कैंसर हो, बिनाइन हो, वो सब कुछ टैकल हो सकता है। जी मतलब ये वापस से रिकरेंस इसमें नहीं होगा और पूरी तरह से 100% क्योरेबल है। उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई रिकरेंस क्या होता है, क्यों होता है, हम समझाएंगे आपको। अगर वो अगर कॉजेस से अगर आप प्रिफर करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो हो सकता है वापस रिकरेंस नहीं हो। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट बार बार अगर आपके पास में है तो वो हो सकता है कि रिकरेंस हो सकता है, एक बात ये, क्योंकि हमने आमतौर पर केसेस में देखा है कि वो माहौल वही होता है अगर हम पेशेंट को ट्रेन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सास बहू का झगड़ा चल रहा है घर के अंदर, हमारे पास में एक केस ऐसा आया, और वो अगर झगड़ा चलते रहा और अगर वो बहू ने उसके अपने आप को चेंज एटीट्यूड नहीं किया, उसके एब्जॉर्ब नहीं किया, तो हो सकता है रिकरेंस उसका हो जाएगा। हाँ तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये समझना पड़ेगा सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच प्रिया जी। वेलकम। दोस्तों कैंसर शब्द एक है लेकिन इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत प्रकारों के कैंसर्स होते हैं और इन सबके इलाज भी अलग अलग होते हैं। हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं तो हमने डेफिनेटली इस पे अपनी एक राय नहीं देनी चाहिए, एक्सपर्ट से ही राय लेनी चाहिए। एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि अगर कैंसर से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो एक्सपर्ट से ही सलाह लीजिए, जान पहचान वालों से सलाह लेके
मेरी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए, क्योंकि उनकी सलाह एक्सपर्ट एडवाइस नहीं काउंट हो सकती। और इसीलिए तो हम, यानी कि स्पेशली हमारे डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर है। कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। शो के दौरान या शो के बाद भी आप अपना सवाल डॉक्टर अनवर साहब के सामने रख सकते हैं, सो प्लीज डू कॉल अस। डॉक्टर अनवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जब आप प्रिया जी से बात कर रहे थे कॉल पर, तो रिकरेंस की बात हुई थी जी। तो मेरे जहन में एक सवाल आया था कि अगर कैंसर पूरी तरीके से ट्रीट हो चुका है, क्या उसके बाद भी चांसेस है रिकरेंस के? जी स्नेहल जी, मैं आपसे बता दूं जी कि रिकरेंस के चांसेस है। क्यों? मैंने आपसे बताया कि वजह क्या है उसकी। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शोला जल रहा है, शोले के ऊपर अगर आप राख डालेंगे तो वो अंदर अंदर कम आंच करके जलते रहेगा। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो हो सकता है कि वो हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और वापस से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ज़रूरत हमें इस बात की है कि वो शोला जो है उसके ऊपर राख नहीं, पूरा पानी डालें, समझे। द बेस्ट वे टू डू इट कि फॉगिव एंड फॉगेट, जो हो गया आप अपने मन से बिल्कुल साफ कर दीजिए। एंड जैसे मेरा जो फंडा है, लव टुवर्ड्स ऑल, मैलेज टुवर्ड्स नन, अगर ये अप्रोच आप रखेंगे तो आपके साथ में जिसने जो किया है वो सबको दिल से माफ़ कीजिए। खाली जबानी नहीं, मैंने माफ़ कर दिया और वो दिन मेरे, वैसा नहीं। तो अगर जब तक का नहीं ये होगा तब तक रिकरेंस चालू है। कोई ऐसा इवेंट अगर वापस से अगर आपको आ गया तो वो रिकरेंस हो सकता है। वापस से कोई इमोशन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो गया तो आपका कैंसर वापस एक्टिवेट हो सकता है। वेल डॉक्टर अनवर साहब, फिर से एक बार कॉलर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं लेना चाहूंगी आज का हमारा अगला कॉल। जी प्लीज। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है? अंकिता शाह। अंकिता शाह, अंकिता जी आप कौन से एरिया से बोल रहे हैं? काटको पर। अंकिता जी, अभी अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो डॉक्टर अनवर साहब की होगी, आप उनके सामने अपना सवाल रख सकती हैं। जी अंकिता जी, सर मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी एंड ऑल जो प्रॉब्लम थी आपकी काफी मेहनत की वजह से सॉल्व हुई और सक्सेसफुली आज मेरे दो बच्चे बहुत अच्छे क्यूट किड्स है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने बड़े हो गए वो? अभी वो लोग, बेटा 12 इयर्स का है और बेटी 11 इयर्स की है। वाह वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी जी फरमाइए। मेरी हमारे एक रिलेटिव है जिसको थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जी। तो मुझे उन्होंने मेरी ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल देख के वजह से उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछने के लिए कहा कि क्या वो प्रेगनेंसी कर सकती है इस कंडीशन में, वो आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये मशवरा दूंगा कि जो मसला है आपके पास में, पहले वो उसको सॉल्व कीजिए, प्रेगनेंसी के बाद में देखिए। क्योंकि वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, वैसे ही आप बहुत कमजोर हो चुके होंगे, तो एक और एक बच्चे को पालना, उसको भी ब्लड सप्लाई जाना है, उसको जो है दूर जाना है, तो आपकी जो है हेल्थ के ऊपर, उनकी जो है आपके पेशेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कहा, उनकी हेल्थ पर डिटोरेशन आ सकता है। तो पहला प्राइमरी आपको ये देखना है कि आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखते हैं, जब वो ठीक हो जाए उसके बाद में आप सोचिए प्रेगनेंसी के बारे में। तो मेरा मशवरा नहीं है कि प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। जी बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूंगी वो आपसे कॉन्टेक्ट करे इस बारे में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकिता जी फॉर कॉलिंग। जी थैंक यू। वेल दोस्तों, यही तो मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ कि या आपको या आपके किसी परिचित को भी अगर कोई समस्या हो तो आप उनकी समस्या भी हमारे सामने रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली उनके सिम्टम्स के साथ साथ उनका इलाज कैसे हो सकता है। शायद आपकी बातों से उन्हें प्रेरणा मिले और वो डॉक्टर अनवर साहब तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। सो वक्त जाया मत कीजिए, अभी इसी वक्त कॉल करके जो भी सवाल आपके लिए या आपके दोस्तों के लिए, परिवार के लिए आपके जहन में हो वो पूछ के उसका हल ढूंढिए। सो कॉल राइट नाउ, कॉलिंग डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वेल डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ में
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ. होम्यो साइको ऑन्कोलॉजी, ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप फॉलो करते हैं, क्या इससे 100% रिजल्ट मिल सकता है कैंसर में? देखिए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और खास तौर पे दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन में 1+1 2 और 2+2 4 नहीं है, एक बात. दूसरी बात, में 100% जो आप बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 100% गारंटी हम हमारी स्किल की दे सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड करने की जो दे सकते हैं, और दवा उसके हिसाब से अनुसार देने की हो सकते हैं. क्या होते कि देखो, तीन चीज़ होती है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट. हमारे पास में होस्ट है पेशेंट, एजेंट है हमारा तरीका इलाज, और एनवायरनमेंट एक है. तो हमें हर केस में देखना है कि बीमारी की इंटेंसिटी कितनी है, किस किस्म का कैंसर है, किस हद तक पहुंचा है, और उसके हिसाब से हम हमारा हदफ यानी गोल तय करते हैं कि हम ये केस में क्या कर सकते हैं. ये केस में पेन रिलीफ दे सकते हैं पहला, सेकंड जो होता है अगर जो तकलीफ जो है उसके कम करें सिम्टम्स, ये जो कैंसर जो स्पीड में बढ़ रहा है तो क्या उसकी स्पीड हम कर सकते हैं, अगर हम स्पीड कम करने में कामयाब अगर हुए तो क्या हम इसकी स्पीड को रोक सकते हैं. सेकंड जब ये हो गया, थर्ड स्पीड में तो हम ये देखते हैं क्या स्पीड अभी रुक गई है तो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं ट्यूमर को, अगर उसमें कामयाब हुआ तो क्या हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं. अलग अलग मरहले होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है. हम ब्लैंकेट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई हर केस हमारे पास में जो आया वो ठीक हो जाएगा. इसकी वजह ये है कि हमने कितना पेशेंट को अंडरस्टैंड किया, हमने कितना समझा, आपने कितना अच्छा मुझे बताया, सही चीज़ बताया, सटीक बताया, और हमने दवा की चयन कैसा किया. तो ये सब चीज़ मरहले होते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से. दूसरी बात, में ये जो अप्रोच की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये अप्रोच सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल हर केस में हो सकता है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स. हमारी ज़बान ये कि हम किस तरह से पेशेंट का जो हमारी जो साइंस है उसके ज़रिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करें, और हम हमारी कोशिश करें, ये हम कर सकते हैं. और डॉक्टर भगवान लोग बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे को आके ऐसा कहते हैं, हम लोगों को इंसान रहने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, भगवान उसका काम अलग है, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में. हमारा काम ये कि मुझे वो हमारी चौथी क्लास में पांचवी क्लास में एक जो पोएम थी मुझे फिर से याद आती है, हे भगवान मुझे दुनिया की सेवा का वरदान दो, दुखियों का दुख मिटा सकूं मैं, ऐसी शक्ति महान दो, जो आंसू से जूझ रहे हो उन्हें हंसी की चाह दो, बिना सहारे भटक रहे हो जो उनको सुख की बाह दो. हमारे पास यही कोशिश होती है. एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, आपकी इन्हीं बातों से आई एम 100% श्योर कि जो विल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे तमाम दर्शकों में बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि इनकी यही तो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वाकई में वो जागरूकता आप सभी लोगों में आने लग गई है. ढेर सारे कॉल्स और ईमेल्स जब इनके मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि ये लोग अपने लिए वाकई में अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि कैंसर के प्रति जो वो लड़ाई है वो तो बरकरार ही रखनी है. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर साहब, आप ऐसे ही बस पॉजिटिविटी हमें देते रहिए, नॉलेज अवेयरनेस देते रहे. थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से. थैंक यू सो मच. वेल दोस्तों, कैंसर एक बीमारी है और इसे बीमारी के रूप में ही हमने लेना चाहिए. कैंसर कोई डर नहीं है, कैंसर कोई एक मानसिक रोग नहीं है कि हम बस उसी बात में अटक जाए और सोचने लग जाए कि बस कैंसर हुआ है मतलब जिंदगी खत्म. अगर ऐसा होता तो उसी वक्त हम मर गए होते, बट हम जिंदा है इसका मतलब उम्मीद अभी बाकी है. वेल, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैंसर को मात कैसे दी जा सकती है तो इसके लिए आपको संपर्क करना होगा डॉक्टर अनवर साहब से या उनकी पूरी टीम से. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है. हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल 400008. हमारे फोन नंबर्स हैं 0222300 4757, 0222300 5757, और 9930950750. हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com. हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com. सो मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय.
चाहूंगी आप सभी से इजाजत, दोबारा आपसे मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है कैंसर होप। उम्मीद है तो सब कुछ है, उम्मीद है तो कैंसर को हम जड़ से फेंक सकते हैं हमारी जिंदगी से बाहर। डॉक्टर अनवर साहब ने अब तक हमें यही तो सिखाया है। सो प्लीज आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।